हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक सीएम में इंटर में आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक टॉपिक है फाइव फोर्सेस देखिए अगर आप एग्जाम नहीं भी कर रहे हैं ये काफी अच्छा एक मॉडल है किस चीज के लिए जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं सपोज आप किसी न्यू बिजनेस में जा रहे हैं वहां पर जब हम किसी भी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं जिस भी इंडस्ट्री में एंटर करने लगे हैं इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री होगी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो गई एविएशन एक इंडस्ट्री है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री आपने कोई शॉप ओपन करनी है मीन्स आप रिटेल में जाना चाहते हो रिटेल की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो देन आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो कंपटीशन है मीन्स आपके कंपटीशन में कितने लोग खड़े हैं उनका एनालाइज करते हो उनको एनालाइज करते हो ताकि आप एक स्ट्रेटजी बना पाओ कि हमें जो भी अपने कंपटीटर है उसको कैसे बीट करना है गेम प्लान कि हम अपने को कैसे बीट करके आगे बढ़ेंगे सबसे बढ़िया मॉडल जो पॉटर्स ने दिया है वो है पॉटर फाइव फोर्सेस मीन्स ये वाला मॉडल हमें बताता है कि जब भी आप किसी न्यू बिजनेस में एंटर करते हो तो आपको सबसे पहले अपने कंपटीशन को एनालिसिस करना चाहिए क्यों करना चाहिए रीजन भी इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि ये बिजनेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा मैम ऐसे कैसे एक एग्जाम्पल देखो सपोज आप जाना चाहते हो एविएशन इंडस्ट्री में जहा आप uh, uh, जैसे हम अंबानी जी की एग्जाम्पल लेते हैं जियो की एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि वो टेलीकम्युनिकेशन की uh, जो है इंडस्ट्री सेक्टर में एंटर हुए जब वो एंटर होने से पहले ऑब्वियसली उनकी जो मैनेजमेंट टीम है उसने ये फाइव फोर्सेस का एनालिसिस किया होगा क्या क्या देखा होगा देखो फाइव फोर्सेस है क्या क्या सबसे पहले देखा होगा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट मींस जो टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है उसमें न्यू एंट्रेंट मीन्स जो न्यू कम्पिटेटर्स हैं वो कितने आ सकते हैं अगर हम एंटर कर जाए तो न्यू और एंट्रे हो सकते हैं या नहीं हो सकते कैसे पता चलेगा वो ऐसे पता चलेगा सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन में जाने के लिए आपको राइट right? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट हम जजमेंट करते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जो है कितने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है मींस अगर तो वहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्निकल ना की रिक्वायरमेंट है तो मींस जिनके पास ये टेक्निकल नाव हवाओ होगा वही एंटर करे ऐसे एलिमेंट है ये एलिमेंट ये बताते हैं कि अगर ये कहीं पर प्रेजेंट प्रेजेंट है किसी सेक्टर में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वहां पर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री जो है वो कम होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो कम लोग आएंगे टेक्निकल ना बहुत ज्यादा है तो कम लोग आएंगे लोगों का ब्रांड रॉयल्टी बना हुआ है उस ब्रांड के साथ चिपके हुए हैं तो दूसरे को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा तो कम लोग आएंगे स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है वॉट इज स्विचिंग कॉस्ट क्या स्विचिंग कॉस्ट होता है मान लो मैंने जो मेरे जो क्लासेस चलती हैं मैंने किसी क्लाउड की सर्विस ले रखी है यहाँ पर जिस जो है क्लासेस जो है वो सेव होती हैं और आप अपने गूगल लिंक से डाउनलोड करते हो मेरा सॉफ्टवेयर वहीं से चलता है तो मैंने किसी क्लाउड की सर्विसेस ले रखी है। अब मेरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है वो उसके साथ मैंने कैलिब्रेटिंग calibr उसकी कर रखी है अगर कल को कोई और मुझे ये सेम सर्विस दे लेकिन कम कॉस्ट पे दे मुझे स्विच करना बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा मुझे मेरे सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे राइट मुझे वो कॉस्ट बहुत ज्यादा मुझे हर स्टूडेंट्स को जो है इन्फॉर्म करना उनके एंड पर अपडेशन भेजनी पड़ेगी तो वो कॉस्टली पड़ जाएगा मीन स्विचिंग कॉस्ट कितनी है राइट अगर किसी ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट Establish है और उस प्रोडक्ट का अगर कोई न्यू एंट्रेंट आता है क्या वो कस्टमर स्विच करेगा Depend upon. Cost कितनी तो तो ये कुछ ऐसे है उस sector में threat of new entrant कम होगा तो अंबानी जी ने भी ये देखा होगा कि कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है अब ब्रांड रॉयल्टी एयरटेल कितना लोग प्रेफर करते हैं कि एयरटेल के साथ इतने चिपके क्यों है, है? तो है कि वो इतने लार्ज जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं वो इतने लार्ज स्केल पर जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं कि उनका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बहुत कम है अगर न्यू पर्सन आएगा तो उसकी डिमांड उस लेवल तक एस्टेब्लिश होते होते बहुत टाइम लग जाएगा राइट right? तो वहां पर वो उनके साथ कॉस्ट के उनकी कॉस्ट के साथ बीट नहीं कर सकता मीन्स इकोनॉमी ऑफ स्केल कैसी है तो मैम ये जियो के साथ कैसे रिलेट होता है देखो इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन्स अगर कस्टमर्स जितने ज्यादा होंगे तो उनको उतना ही जो उन्होंने कैपिटल फिक्स्ड कॉस्ट जो इनकट किया उतना कम पड़ेगा अब उन्होंने कस्टमर को कैसे बढ़ाया एकदम से न्यू मार्केट में आके उसके लिए अलग से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई क्या स्ट्रैटेजी बनाई फ्री, फ्री में दो सिक्स सेवन मंथ फ्री में दो कस्टमर को अपने साथ जोड़ना है तो यहाँ पर आपको ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे तब भी उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाओगे राइट तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट डिसाइडेड कि अगर हम इस मार्केट में आते हैं तो न्यू एंट्रेंट के आने का थ्रेट कितना है क्योंकि अगर ज्यादा कंपटीटर आ गए और हम हमारी जैसी स्ट्रेटजी उन्होंने भी अपना ली तो हमें यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो सबसे पहले थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट सेकंड कौन सा है सेकंड है हाँ मैं आपको एक बात बता दू पहले हम यहाँ से करेंगे फिर आपकी एस की बुक में से नेक्स्ट लेक्चर में SM की बुक में से भी इसको रीड करेंगे आप यहाँ पर पहले इस मॉडल को अंडरस्टैंड करो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बायर्स अब बायर ये नहीं है आप बायर में ये मत समझो कंज्यूमर कंज्यूमर होता है जो लास्ट जो अल्टीमेट कंज्यूम्शन करता है उस सर्विस की जो गुड की ठीक है जैसे आपने जीएसटी पढ़ा होगा वहां पर आपको पता है कि कंज्यूमर कौन होता है कस्टमर कौन सा होता है तो जीएसटी का बर्डन कौन बेयर करता है बताओ यस कंज्यूमर कस्टमर ये होता है ठीक है तो यहाँ कस्टमर और कंज्यूमर दोनों को ही आपने कंसीडर करना जब हम बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर देखते हैं यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लो कि जो हमारी सर्विसेस लेते हैं राइट अब यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं क्रूड ऑयल जो है वो सेल करती हूँ राइट अब मेरे से जो बायर होंगे अगर वो बायर जो है मेरे कम वायरस हैं स्मॉल और उनका ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली अगर साइज ऑफ ईच कस्टमर ऑर्डर बहुत बड़ा है तो मैं ऐसे कस्टमर को लूज करना प्रेफर नहीं करूंगी करूँगी क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर अगर मेरे हाथ से चला गया तो मेरा जो बहुत सारा प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेरे हाथ से निकल जाएगा तो डिपेंड अपॉन अगर बायर का साइज का सॉरी uh, बायर का ऑर्डर का साइज बहुत ज्यादा है देन उसका जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ज्यादा होगा तो आप जब भी किसी सेक्टर में जाते हो तो आप देखते हो कि वहां पर बायर की सिचुएशन कैसी है अगर तो कंसेंट्रेट है थोड़े से बायर है राइट और उनके ऑर्डर्स बहुत लार्ज है तो फिर उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी उससे क्या होगा मैडम उससे क्या होगा कि आपको उनके अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट करना पड़ेगा अगर उनके अकॉर्डिंग प्राइस आपका सेट होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो ये भी देखना पड़ेगा राइट और फिर आपने देखना है कि प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है अगर प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कोई कॉम्पिटेटिव जो है वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे प्राइस को करता है क्या बायर क्या उसकी तर, तरफ चला जाता है ये भी आपने देखना है कि प्राइस का ऊपर नीचे होने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है बायर का फिर आपने देखना है कि क्या बायर जो है जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कर रही हूँ क्या उसका कोई सब्सिट्यूट है कि अगर मैं अपनी प्राइसेस को हाई कर देती हूँ क्या किसी और सब्सटीट्यूट में वो स्विच हो सकता है एग्जाम्पल ले लो अगर मैं एविएशन इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो अगर एयर फेयर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो पीपल प्रेफर रेलवे अगर रेलवे का रेलवे फेयर बहुत इंक्रीज हो जाएगा तो पीपल प्रेफर द लाइक एयरलाइंस तो ऐसे ही होता है ना आपने किया होगा तो बायर की ability substitute करने की क्या है उस प्रोडक्ट को वो आपको देखना अवेलेबल है क्या उसको पता है है कि जो इसके ये वाला substitute available है, अगर बायर का इन्फॉर्मेशन कम है राइट अगर आप न्यू न्यू है जैसे अब आप देखो कोई क्लाउड की सर्विसेज है या वेब एमेजोन वेब सर्विसेज है अब इसके कितने सब्सटीट्यूट है उनको आप जो है कंपैरिजन करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका जो इन्फॉर्मेशन इजिली अवेलेबल होता है कुछ का नहीं होता तो वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा स्विचिंग कॉस्ट यहाँ भी आएगा यहां भी आएगा ठीक है तो स्विचिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है वो आपको देखना है तो दोनों में ऑब्वियसली दोनों में ही ये रेलिवेंट है स्विचिंग कॉस्ट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट मीन्स जब नया जो भी नया कम्पिटिटर आएगा अगर

ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर डिसाइड करते हैं देन थ्रेट ऑफ कितना है ठीक है हमारा जो हम सर्विस दे रहे हैं उसके कितनेट्यूट अवेलेबल है अगर उसके बहुत ज्यादाट्यूट है देन आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा ठीक है और बायर की प्रोपेन्सिटी कितनी है क्या वो उस सर्विस को सब्सटीट्यूट करना चाहता है या नहीं चाहता है मींस अगर मोबाइल है और एक कैमरा है क्या अगर कैमरा जो है मुझे रीजनेबल कॉस्ट पर पड़ेगा क्या मैं उसको सब्सिट्यूट करना चाहूंगी या नहीं करना चाहूंगी दैट इज ए प्रोपेन्सिटी क्या मेरी इच्छा है कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी या रिलेटिव प्राइस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अब सब्सिट्यूट की प्राइस कितनी मींस मीन्स अगर जैसे मैंने फेयर का बताया आपको एयरलाइंस बताया बस बताया और आपको रेलवे बताया इनमें देखो क्या सब्सिट्यूट आप कर सकते हो ठीक है डिपेंड अपॉन ऑब्वियसली आप कहीं भी जाते हो देन आप पहले एयरलाइंस का फेयर चेक करते हो कि कम टाइम लगेगा और वो है, देन रेल Perceived level of differentiation. अगर अगर आपका प्रोडक्ट इसका मतलब यह है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग है चाहे उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तब भी कस्टमर उसको सब्सिट्यूट नहीं करेगा मीन्स आपके प्रोडक्ट में डिफ्रेंशियन कितना है क्या अलग दे रहे हो जैसे एप्पल है एप्पल कुछ आपको अलग से सर्विसेज देता है प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है so पर, फिर भी आप उसको substitute नहीं करते हो, ठीक है? ऐसे ही आप ले लो जैसे आप एग्जाम्पल और ले सकते हो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का कि फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी हो गया ठीक है देन आपका लैपटॉप हो गया ठीक है आपके थिएटर्स हो गए थिएटर का सब्सटीट्यूट क्या आ गया नेटफ्लिक्स ठीक है ये सब कुछ है जैसे थिएटर और नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म क्या थिएटर जाना चाहोगे जब पे जाना है पर अगर थिएटर वाले काफी अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं तो लोग आज भी थिएटर जाते हैं चाहे ओ टी टी पर आपकी जो न्यू सीरीज आती है तब भी लोग थिएटर जाना पसंद करते हैं अगेन स्विचिंग कॉस्ट आ जाएगा स्विचिंग कॉस्ट देखो हर एक आपको जब स्विचिंग कॉस्ट

कॉस्ट है वो कितनी ज्यादा पड़ेगी ये आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो स्विचिंग कॉस्ट आपको अलग अलग परस्पेक्टिव से देखनी है देन बार्गे पावर ऑफ सप्लायर सप्लायर जो मुझे जो है वो गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी होगी अगर मैं एविएशन इंडस्ट्री लू ना तो एविएशन इंडस्ट्री में जो एयर प्लेन बनाते हैं वो दो कंपनी ही बनाती है ठीक है तो सिर्फ बोइंग है और एक एक और है ठीक है नाम स्किप हो गया ठीक है ये दो कंपनी बनाती है अब सप्लायर जो है कंसेंट्रिंग है कम है अब वो अपनी मर्जी के जो प्राइस है वो आपसे चार्ज कर सकते हैं तो मीन्स आपका जो रॉ मटेरियल है जो सर्विसेज है उसके जो बैक एंड पे सप्लायर्स हैं अब आपको ये फैक्टर डिसाइड करते कि आप उस जो भी इंडस्ट्री में जा रहे हो आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हो सर्विसेज ले रहे हो उसका कितना प्राइस आप देने के लिए रेडी हो गए डिपेंड अपॉन बार्गेनिंग पर अगर सप्लायर की बार्गेनिंग ज्यादा होगी ठीक है तो वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज करेगा अगर सप्लायर की बार्गनिंग कम होगी वो आपसे प्राइस भी कम चार्ज करेगा अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी जाएगीबिलिटी तो ऐसे आपने इसको जो है वो अलैबरेट करके बताना तो नंबर ऑफ सप्लायर्स कितनी है हर एक के प्रोडक्ट में यूनिकनेस कितनी है और कंपनी की एबिलिटी कितनी है सब्सटीट्यूट करने की एबिलिटी कितनी है क्या वो जो रॉ मटेरियल जैसे आप देखो अगर आप टीवी मैन्युफैक्चर करते हो ठीक है तो उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं हो सकता है 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 कि कंपोनेंट आपको सप्लायर जो वो बहुत कॉस्टली तो आप मेटल ना यूज करके आप प्लास्टिक यूज करना चाहते हो कर नहीं कर सकते हुँ? ये देखना पड़ेगा फिर आपका जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है उनके बीच में कितना टफ कॉम्पिटिशन है अगर देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर डिमांड जो है वो तो ज्यादा ग्रो नहीं हो रही तो सेम डिमांड के लिए कि जितने भी कंपटीटर्स होंगे वो ऑब्वियसली उस डिमांड के पार्ट को ग्रैप करना चाहेंगे क्योंकि डिमांड तो, तो बढ़नी नहीं रही जितने लोग हैं उन्हीं को अपनी तरफ खींचना है राइट right? तो यहां पर अगर डिमांड का ग्रोथ कम है कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा अगर डिमांड बहुत ज्यादा है डिमांड की ग्रोथ हो रही है ठीक है तो कंपटीशन आपका कम हो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आप ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लो नए नए ओ टी टी प्लेटफॉर्म आ Netflix आया, आया, आया। बहुत डिमांड है अभी डिमांड बहुत है ग्रो हो रही है बिकॉज रूरल एरिया में भी इंटरनेट जा रहा है तो यहाँ पर डिमांड ग्रो हो रही है अगर कितने भी प्लेटफॉर्म ले आओ तो अभी जो है कस्टमर्स जो है वो बढ़ रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं जब नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होते हैं तो इस मीन डिमांड ग्रो हो रही है अगर डिमांड ग्रो हो रही है तो इट मींस कंपटीशन क्या होगा लेस होगा पर डिमांड जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है उतनी है अब और कस्टमर नहीं आ सकते हैं देन वहां पर कंपटीशन टफ होगा पहले तो नंबर ऑफ कंपटीटर कितने हैं अगर कंपटीटर बहुत ज्यादा है राइट तो वहां पर कंपटीशन टफ होगा नंबर ऑफ कंपटीटर्स कम है तो कंपटीशन टफ नहीं होगा डाइवर्सिटी आपका प्रोडक्ट मतलब एक जगह पर ही है मतलब इंडस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा नहीं है राइट right? तो वहां पर कंपटीशन कम होगा ग्रोथ कितनी हो रही है क्वालिटी का डिफरेंस कितना है हर एक का मींस सिमिलर प्रोडक्ट है लेकिन क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट है सिमिलर है जैसे आप फोन देखते हो कि क्वालिटी सॉरी सिमिलर फोन होते हैं लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस होता है तो आपका वन प्लस होगा एप्पल होगा सैमसंग है उनकी क्वालिटी में डिफरेंस आएगा फिर तो ब्रांड लॉयल्टी कितनी है बैदरेज और स्विचिंग कॉस्ट आप स्विचिंग कॉस्ट आपको इसमें भी इसी परस्पेक्टिव से लिखनी है यहाँ पर सिर्फ आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आप न्यू सेक्टर में एंटर करते करते हो हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कंपटीशन कंपटीशन का करते का एनालिसिस एनालिसिस करने के लिए हमें फाइव फोर्सेस देखनी पड़ती है सबसे पहले उस इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कितना है जितना ज्यादा होगा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ये सारी फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि थ्रेट कितना होगा थ्रेट जितना ज्यादा होगा ठीक है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको कम रख होगी हो ठीक है ऐसे ही अगर आपके बायर की bargaining power ज्यादा होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी ये फैक्टर डिसाइड करते हैं तो bargaining power ऑफ बाय फिर आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट डी वाले फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूट से कितना थ्रेट है अगर थ्रेट जितना ज्यादा होगा प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम सप्लायर्स कम होंगे ठीक है सप्लायर आपके कम है तो वहां पर कम सप्लायर मतलब कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी या उनकी बार्गेनिंग पावर अगर सप्लायर की ज्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो आप ये कह सकते हो कि इन फाइव फैक्टर्स से जैसे कंपटीशन ज्यादा तो प्रॉफिटेबिलिटी इन फाइव फोर्सेस में अगर इन फाइव फोर्सेस में सब अगर इनका थ्रेट ज्यादा होगा तो जो भी सेक्टर जिसमें आप एंटर करने जा रहे हो उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा ठीक है तो कंपटीशन यहाँ पर कंपटीशन का एनालिसिस एनालिसिस हो रहा है कि आप पहले कंपटीशन का करें फिर उसके बाद आप स्ट्रेटजी जो है वो अपना स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे पहले आपको ये करना पड़ता है कोर्टर के फाइव फोर्सेस के हेल्प से राइट तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो अपने बुक से भी स्टडी करेंगे चलिए ओके बाय स्वीट